हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आनंद वेंकट, कार्ड मिला ना? आना जरूर वेंकट। आधी जिंदगी निकल गई है दुश्मनी में, अभी थोड़ी शांति चाहिए सबके लिए। सबके लिए। क्या बात है, आनंद पिल्ले को सब पे बड़ा प्यार आ रहा है। वेंकट के यहाँ पे भी कार्ड गया हुआ है और सुना है कि कासिम भाई को भी उन लोग बुला रहे हैं। वाला पहले सबकी धोती लाल कर दी, अब सबको हरी झंडी दिखा रहे हैं। इज्जत से बुलाया है, इज्जत से जाएगी। लेकिन कासिम भाई, आनंद पिल्ले ही ने तो उसके बेटे का शादी दुआ दे आते, और वैसे भी अपने धंधे में दोस्ती दुश्मनी एक ही सिक्के का दो साइड है। मुर्गा दो हफ्ते बाद कटेगा, उस घर में कोई शादी है अभी, तब तक पार्टी को शांति चाहिए। शादी में कहाँ शांति होती है, मुर्गे की चीज किसी को सुनाई नहीं देगी। कृष्णन, शादी में वो लोग दोस्ती की बात करना चाहते हैं, खून खराब है नहीं। देखते हैं, जुबान चलती है गोली। एक बहुत बड़ा देसी शराब का माफिया दुश्मनी के नशे में लड़खड़ा रहा था। एक तरफ एक शादी के मौके पर समझौते और अमन की पहल हो रही थी, और दूसरी तरफ एक खूंखार हत्या की सुपारी निकल चुकी थी। जुर्म की बिसात का हर मोहरा बादशाह बनने की फिराक में था, लेकिन मौजूदा बादशाह शहमात होने की कोई जल्दी में नहीं थी। Cheers. वाह क्या बात है, देसी दारू के नदी में विलायती बह रही है। हाथी के दांत है ये, खाने के अलग दिखाने के अलग। Cheers. स्वागतम कासिम भाई, स्वागतम। कैसे हैं? खैरियत सर। स्वागतम जैकबन। स्वागतम वेंकटन्ना। नमस्कार।
नंदा कहीं नजर नहीं आ रहा। अचन अभी आने ही वाला। कैसा है गोविंद? सब खैरियत? खैरियत है कासिम भाई, बस अयप्पा की कृपा है। सिर्फ अयप्पा का कृपा काफी नहीं, सर पर एक मजबूत हाथ होना चाहिए जो तुम लोगों के सर पर है। मानना पड़ेगा अन्ना, शादी में खर्चा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेहनत में भी कमी नहीं छोड़ी है जैकब, बाकी तो ऊपर वाले का बोनस। सालों बाद आनंद। हाँ वेंकट, वासु की शादी के बाद मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म। फिर बैठते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। जरूरी है ना, आगे आने वाले सालों के लिए बहुत जरूरी है। पहले कुछ साल पीछे जाते हैं, याद है वेंकट बचपन के वो दिन? मैं बादशाह बन कर रहूंगा, तू देखना वेंकट। टाइम टाइम की बात है यार, तो मैं साला टाइम बदल लूंगा, मुट्ठी में बंद कर लूंगा टाइम को। घड़ी की सुइया आगे पीछे करने से टाइम नहीं बदलता बादशाह जी। देख वेंकट, मैं बदलूंगा, बादशाह बनकर रहूंगा, बादशाह। तुमने बादशाह बनकर दिखाया नहीं, टाइम को वाकई अपनी मुट्ठी में कर लिया। दिल भर गया वेंकट, अब आराम करना चाहता हूं। तख्त पलटने के खेल में हाथ बड़े संभल कर मिलाए जाते हैं, कौन जाने कब वही हाथ पीठ में खंजर घोंपते। आनंद अन्ना आए मिलने है। जी अंदर आइए, मैं बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे कोई मिलने आया है? मुझे नहीं लगता हम लोग पहले कभी मिले हैं और आगे कभी मिलेंगे भी नहीं। कौन हो तुम लोग? शहमात बादशाह। चल रे, चल 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 चल, निकल चल। छूना नहीं अम्मा, छूना नहीं अम्मा।
अच्छा मर जाएंगे श्रुति, कुछ करो। दीप्ति पुलिस को फोन लगा अभी। कुछ करो अच्छा। अच्छा। मुझे बीच में रहना पसंद नहीं था और नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं था। बस मुझे हमेशा सबसे ऊपर जाना था, सबसे ऊपर बादशाह बनना था मुझे। आखिरी घड़ी पे ठीक हो गया। अरे वाह, इतनी जल्दी सभी हो गए। तुम्हारा हाथ पे जादू है लड़के, एक दिन तुम बहुत आगे जाएगा देखना। शायद खुद की घड़ियां बनाएगा। कल किसने देखा है? मैंने देखा अन्ना, और मैं सिर्फ खुद की घड़ियां नहीं बनाऊंगा, मैं खुद का वक्त बनाऊंगा। ऐसा वक्त जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से चले। अरे बेटा, दिमाग और हाथ का साथ तेरी जुबान भी काफी चलती है। बेटा ये तीनों को संभाल कर रखना। ये लो। मौसम है दानल, देर हो रहा है। अभी तो आया था, और रात भर कहाँ सोया था मोने? कहाँ सोया मैं? रात भर सोया ही नहीं, पूरी रात काम कर रहा था। चलो अम्मा, देर हो रहा है। आज अपनी चांदी है दोस्त, पूरी 15 घड़ी आई थी। जो तूने 15 मिनट में ठीक कर दिया होगा। नहीं, हर घड़ी अलग होती है, इंसानों की तरह। तू देखते रहना, बहुत पैसे आएंगे। सही है यार। रंकट, 8 बज रहे, ट्रकोरो कर आता ही होगा। ऐसा भी क्या है उस ट्रक और कार में? वंकट कुछ लफड़ा है दोनों में, मुझे लफड़ा है और उखड़ा है। चला है। छोड़ना आनंद, नशा खराब हो रहा है। ए रुकना, बोला था ना आएगा। छोड़ ना आनंद, खतरा लगता है। वे घड़ी की सुई कभी उल्टी नहीं जाती वेंकट। करना है तो बस करना है। फटाफट चल, जल्दी जल्दी संभाल के उसको चढ़ ले ऊपर। हाँ सिर्फ डिब्बे इधर उधर करने के बहुत पैसे मिलते हैं ना। डब्बों में कुछ तो गलत होगा। उनके लिए गलत कैसे, उन्हें तो पैसे दिलाता ना ये काम, और अब हमें दिलाएगा। वो जोसेफ मिला था, बोला उस्ताद हो गया है तू। तू एर्नाकुलम के लिए चला जाता, काफी अच्छी कमाई होगी। बोल रहा हूँ मैं यही रखे अच्छे पैसा कमाऊंगा, दिमाग चल रहा है मेरा। साहूकारों के खेतों में बहुत मेहनत कर ली आपने, अब नहीं करनी पड़ेगी।
आनंद छोड़ना मत ना, कहाँ जा रहा है? उनसे बात कर लो। छोड़ना यार, बुरे फंसेंगे। फंसेंगे या पार होंगे, जिंदगी भर के लिए सड़ेंगे तो नहीं ना। रुक क्या, मैं बात करके आता हूँ। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला, चल संभाल के। ए, अंदर गए, उसको हाथ दे, हाथ दे। नहीं कहा। नमस्कार साहब। क्या ये क्या काम कर रहे साहब? कौन है बे? मेरा नाम आनंद पिल्ले। मेरा नाम है तेरी शामत। चल भाग यहाँ से, पड़ा। नहीं क्या साहब, मुबारक। काम ही तो मांग रहा हूँ आपसे। मैं ये वपुरम गाँव से आया हूँ, लोग कहते बहुत अच्छा काम करता हूँ। क्या काम करेगा तू? आप जो बोलेंगे साफ कर दूंगा। उसको ढंग से रख, ढंग से रख। तो साहब साहब मिल जाएगा ना काम? हाँ साहब। साहब साहब मिल जाएगा ना काम? आप ही रख लो साहब, काम मांगा था, भीख नहीं मांगी थी। मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा आपको। ए रुक, इधर बैठ ट्रक में। वेंकट साहब, ये मेरा दोस्त है वेंकट, ये भी मेरे साथ काम करेगा। ठीक है बैठ। अठारह की उम्र में आनंद पिल्लई ने आसमान को अपनी मंजिल बना लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के रास्ते की परवाह नहीं की। जुर्म की पगडंडियों पर उसने अपने दोस्त वेंकट को हमसफर बना लिया। ये रास्ता खतरों से भरा था और झूठ से सजा। ये दोनों जवान अब कानून का हर सिग्नल तोड़ने वाले थे, जुर्म के गड्ढों में धंसने वाले थे, पर उम्र 18 की थी और निगाहें आसमान पर थी। तू देखना वेंकट, एक दिन मेरी भी ऐसी गाड़ी होगी। से अभी हम लोग आए वपुरम जंक्शन से लेकर इस मोड़ तक माल पहुंचाने का है। पहुंचा पाएगा? ऐसे साहब ऐसे, अब बोल कर तो देखो। देख, कभी भी एक भी बक्सा चुराया, दोनों को बक्से में डालकर इधर ही गाड़ दूंगा। मेरे को लंबा काम करने का आपके साथ। आप जितने पैसे देंगे उतने बहुत है मेरे। आप सिर्फ आग बंद कर विश्वास करो। अपने अच्छा नम्मा को दे, वो छुट जाएंगे उनके। ले लो। मैं कहां से आते इतने सारे पैसे आनंद? अच्छा मेहनत से आता है अच्छा, ये आपके लिए। कैसा मेहनत? ये घर बनाने का काम, रात की ड्यूटी के दोगुने पैसे देते हैं। अब इतने साल आपने मेहनत करी अच्छा, अब मेरी बारी। अब जिंदगी में बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ। चलो मैं चलता हूँ। हाँ संभल के, हाँ मार उसको ढंग से। वाह 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 अन्ना, मार उसको। वैसे इन बक्सों में क्या है? क्या करेगा जान की? अब एक मौका तो दो अन्ना। आजा।
कंट्री लिखकर देसी दारू पकड़ा गया तो मारा जाएगा। मरना तो है अन्ना, ऐसे नहीं तो वैसे, लेकिन ना पकड़े जाने का नशा भी तो कुछ और ही है ना अन्ना। तेरे को बड़ा आदमी बनने का है ना, कोई दूसरा काम करेगा? बड़ा काम आप जो बोलेंगे वो करो। नमस्कार। नमस्कार जॉर्ज, सब कंट्रोल में है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये आनंद और ये वेंकट, ये तुम्हारे नीचे गोदाम में काम करेगा, इनको कलेक्शन सिखाओ। आनंद ये मेरा असली धंधा है, चुपचाप सीखो, जॉर्ज को गुरु समझो। बिल्कुल अन्ना। ये वाला उधर वेंकट देख रहे, गुराई तेरा 150 कार्टून का हो 18,000। तो आज का पूरा हो गया 85,000। अन्ना ये हिसाब कैसे किया जाता, ऐसा क्या खुफिया है इसमें? चलने से पहले दौड़ना चाहता है और दौड़ने से पहले उड़ना। अरे आप बोलो तो सही अन्ना, चलूंगा दौड़ूंगा उड़ूंगा सब आपके लिए। देख धंधा तो मैं तुझे सिखा दूंगा, लेकिन इसे करना अलग चीज है। मतलब है तो धंधा दारू का, लेकिन असली काम लोगों का है। हम लोगों को खरीदते हैं और शराब को बेचते हैं, समझा? अपने यहां देसी दारू नहीं बनती, सब बाहर से आता है, पूरी तरह गैर कानूनी, एक्साइज बिक्साइज कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम हर रात को गर्म कर देते हैं। गर्म हाथों में बड़ी ताकत होती है, ना उठने की ताकत। अपना माल को रोकने के लिए कई कानून हैं, लेकिन कानून से काम करना लोगों के हाथ में है और लोग हमारे हाथ में। खेल हाथों का है, किसके हाथ में कितनी गर्मी है। सब खुश हैं इस धंधे से, गले में समझो पैसों की बाढ़ आई हुई है। एक पैसा टैक्स नहीं, किसी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं, बस माल अंदर लाओ बेचो नोट छापो। हर वक्त से मैं 12 बोतलें और टैक्स के साथ हर बोतल पड़ेगी 15 रुपए की। और बिना टैक्स के? शशि अन्ना बाहर से 8 रुपए की एक बोतल लाते हैं और यहाँ 10 में बेच देते हैं। मतलब हर बक्से के पीछे 120 रुपए। मतलब खरीदने वाला 12 रुपए की बोतल बेचता है तो उसका मुनाफा हुआ 2 रुपया, पर वो अगर टैक्स के हिसाब से करेगा तो उसका बोतल का पड़ेगा 15 रुपए, मतलब मुनाफा 1 रुपया, बाकी सब सरकार हड़प लेती है। अपने गोडाउन में रोज के 10,000 बक्से आते हैं, हमारे कुछ बंधे हुए ग्राहक भी हैं, सबके पास माल पहुंच जाता है। फिर अपने शशि अन्ना के खुद के बार भी तो हैं, वहां भी जाता है, सब खप जाता है। 2 रुपए हर बोतल, हर बक्से में 12 बोतल, मतलब दिन के 2,40,000 कमाते हैं शशि अन्ना। बाप रे तो बहुत होगा यार। कुछ भी नहीं है वेंकट, और बहुत पैसे आ सकते हैं। कैसे? कितना चाहिए? मैं तो दिया तेरे को। हाँ मिल जाएगा। जॉर्ज अन्ना, आज से हर एक बक्सा 132 में बिकेगा। क्या? पागल हो गया क्या? कौन खरीदेगा? कौन नहीं खरीदेगा? नशा आदतों का बाप है दुराई अन्ना। नशे के लिए लोगों ने घर बार तो क्या अपनी बहू बेटियां बेची, और हम तो सिर्फ 1 रुपया ज्यादा मांग रहे हैं। बढ़ा दो, सबके सब फायदे में रहेंगे। ए लड़के, लगता है तू नशा करके काम पर आया है, तो तेरी औकात से लंबी जबान निकल रही है। साला अंडे से बाहर नहीं निकला है चूजा, और अब हमें बांग देने सिखाएगा। अरे मेरी इतनी हिम्मत हो सकती है क्या मुर्गा अन्ना? ये दिमाग मेरा नहीं है, हम सबके बाप शशि अन्ना का। हाँ कल रात मिले थे मुझको, उन्हें कुछ नए खरीदार मिले हैं जो 1 रुपया ज्यादा देकर माल खरीदने को तैयार है। उन्होंने कहा आपको बता दूं, मैंने बता दिया, नए दाम लागू होने वाले हैं। अब आप सब सोच लो, आपको हमारा माल चाहिए नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी।
बड़ी अजीब बात है, शशि अन्ना ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? अन्ना, जब शशि अन्ना आएंगे तो आप खुद ही पूछ लेना। तुम लोग यहीं रुको। आनंदा, तुमने झूठ क्यों बोला? तो शशि अन्ना से मिले नहीं। क्या पागलपन कर रहे हो यार? गेम खेल रहा है साले? नहीं अन्ना, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। अच्छा अन्ना, मैंने पता लगाया है, ऐसी कई बार है जहाँ ये लोग 12 की बोतल 14 में बेच रहे हैं, और सिर्फ इसी वजह से सरकारी दारू भी ज्यादा में बिक रही है। लेकिन आपको अन्ना, आपको पिछले एक साल से सिर्फ 10 रुपए में बेच रहे। टाइम बदल गया, रेट बदल गया। जॉर्ज, ये लड़का मुझे बहुत पसंद आया। तूने उसको जितना सिखाया उससे ये ज्यादा सीख रहा है। नहीं, सीख गया और सही बात सिखा भी रहा है। जॉर्ज, अरवापुरम सेक्टर आज से तुम संभालेगा और गोडाउन ये आनंद संभालेगा। लेकिन अन्ना, बड़ा लड़का तू, बड़ा काम खा निकला। इतना मेहनत किया, दिमाग लड़ाया, मुनाफे का 10% तेरे को इनाम, हर बक्से का 1 रुपीज 20 पैसे, खुश? पावर का खुमार अच्छे अच्छों को चूर कर देता है। कुमार अवस्था और जवानी की कगार पर खड़े भूखे शेर ने कामयाबी की शराब चख ली थी और आनंद को बेशुमार और बेलगाम ताकत की प्यास थी। वो इस शराब के लिए हर गैर कानूनी पैतरा, हर बेईमान तरीका अपनाने को तैयार था। उसकी निगाहें तो आसमान पर टिकी थी। बच्चे कैसे तुम्हारे आनंदा? जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं ना। तुम्हारे ऊपर गए, आपके सामने तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा नाना। अरे, वक्त आदमी को छोटा बड़ा बनाता है, लेकिन अब मेरा वक्त आ गया है निकलने का। क्यों अन्ना? 25 साल हो गए मुझे इस धंधे में, बहुत हाथ गर्म किए, बहुत धंधा चलाया, अब मेरे साथ वो सारे गर्म हाथ बूढ़े हो रहे हैं। अब ये नए लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, मेडल वेडल के चक्कर में मुझे निशाना बना सकते हैं। कोई सोचेगा कि शशि अन्ना को अंदर करो, सबको डराओ, शायद काम कर जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये धंधा तुम चलाओ। अरे, सिर्फ चलाने की बात कर रहा हूँ, मेरी कमाई नहीं दे रहा हूँ, मेरी कुर्सी दे रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ धंधा करते थे वो अब तुम्हारे साथ धंधा करेंगे। अपनी तकदीर खुद बनाना, बोलो। चाहिए मेरी कुर्सी? आपकी जगह लेना बहुत बड़ी बात होगी अन्ना। मैं वादा करता हूँ अन्ना, आपका नाम कभी खराब नहीं होगा। जिस दिन मैं तुझे पहली बार मिला था, याद है? उसी दिन मुझे लगा कि तू एक दिन मेरी जगह लेगा, इज्जत से लेगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा रहेगा आनंदा। आनंदा, शशि अन्ना के नीचे काम करना एक चीज था, और ये पूरा संभालना कर पाएगा?
पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए आदमी चढ़ा चढ़ता है ना वेंकट, कुछ लोग तो आधे रास्ते में ही झंडा गाड़ देते हैं थक जाते हैं। पहले तो ये कुर्सी सिर्फ एक शुरुआत है, बहुत ऊपर जाना है मुझे। आनंद, सिर्फ 6 महीने पहले तुमने रेट बढ़ाए थे। 6 महीने में उधर की पुलिस 6 गुना बढ़ गई है, खतरा और खर्चा भी 6 गुना बढ़ गया है, और वो सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, तू नहीं उठाता। तेरे को नहीं जमता तो और कोई सप्लाई ढूंढ, मेरे पीछे खरीदारों की लाइन खड़ी है। देखो आनंद, हम लोग शशि अन्ना का पुराना कस्टमर है। अब मैं शशि अन्ना हूँ, मैं, और तू मेरा नया ग्राहक आनंद अन्ना का। इसका आनंद अन्ना, तुझे मेरा माल नहीं लेना ना, ओरा दरवाजा जा सकता तू। आनंद, आनंद अन्ना, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। आप एडवांस रख, एडवांस के बिना काम नहीं होगा। किसी को कुछ कहना है तो कहना, नहीं सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। वेंकट, नए कमिश्नर से मीटिंग फिक्स कराओ। वेंकट, तुम समझदार है और वो सिर्फ तुम्हारी बात ही सुनेगा। बचपन के दोस्त हैं तो समझाओ उसको, इतना घमंड अच्छा नहीं है। हमारे धंधे में सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलता, ठंडा रखना पड़ता है। दुखाया दिल कब दुश्मन बन जाए पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। कमाते हैं देसी से और उड़ाते हैं विलायती में, मजा नहीं आ रहा वेंकट। अपना बिना ऐसा एक बार होना चाहिए, गली गली में बार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ होटल भी होने चाहिए, और एक दिन ना ये विलायती दारू भी हमें बनानी चाहिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है आनंद, थोड़ा आराम से। मुझे पता है तुम्हें बड़ा आदमी बनना है, पर उसके लिए सही रास्ता भी चुनना जरूरी है। सही गलत कुछ नहीं होता वेंकट, गलत चीज़ गलत तरीके से ही की जाती है, पर हमारा उसे सही मानना बहुत ज़रूरी है। पर ये बात तो हमारे डरपोक दोस्त के भेजे में घुसने वाली तो है नहीं। मुझे डरपोक बोलकर अपनी बेवकूफ़ी पर पर्दा डालने की जरूरत? इतना बड़ा धंधा चला रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ तो बेवकूफ़ी से? साले, हिम्मत और बेवकूफ़ी के बीच का फर्क मालूम भी है तुझे? अरे फर्क तो तुम्हें ही मालूम है ना आनंदा। हाँ, सिर्फ मुझे ही पता है क्योंकि मैं करता हूँ, और तू साले बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, हाँकता रहता है, मेरा खाता मेरा पिता और मुझे बेवकूफ बोलता है। मेरे बिना यहाँ से तू बाहर जा भी नहीं सकता, फिर दोबारा यहाँ से उठने की हिम्मत भी मत करना। अगर मैंने बोला ना कि ये काम करना है तो बोलेगा हाँ हाँ आनंदा करना है, और तू करेगा, तू समझे? तिरुचिपुरम एक छोटा सा सेक्टर है अन्ना, वहाँ कोई कासिम संभालता है, और रेवान पिल्ली में काफ़ी टाइम से जैकब है। ऊपर ठीक से रखो। अरे संभाल के, अंदर कांच का बोतल है। कासिम भाई, दो नए लोग मिले हैं जो हमसे खरीदने को तैयार हैं। अच्छा है, जल्दी मिलवाओ। लेकिन रेट कम बोल रहे हैं भाई। मुश्ताक, अभी हमको मुनाफा नहीं देखना है, कस्टमर चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना। तुम त्रिवेंद्रम जाओ और उधर देखो हमारा कुछ हो भी सकता है या नहीं। जगह बनना, लेकिन अगर हम लोग इधर से माल भेजते हैं
तो उधर के रेट के हिसाब से मुकाबला करना भारी पड़ जाएगा। उसी रेट से बेचेंगे, पहले थोड़ा बहुत नुकसान होगा चलेगा, पहले पैर जमा लेते फिर हाथ मारते। ये जैकब और कासिम को हमारे इलाके में ग्राहक मिल के सर है, हमसे छीना जा रहा है ना, और देखते देखते सब निकल लेंगे साले। लेकिन एकदम से उनका धंधा बंद भी तो नहीं कर सकते, उनके अपने बंदे ग्राहक भी हैं। जयरामन, उनके जितने भी खरीदार हैं ना उनकी कुंडली निकलवाओ, और फैज कासिम के जितने भी खरीदार हैं उनको धीरे धीरे हमारी तरफ धकेलना, सबको सस्ते से सस्ते में बेचेंगे। तो फिर मुझे कासिम के गैंग में घुसना होगा? बिल्कुल, अंदर घुसकर खोखला करना। और जैकब? जैकब को अभी अकेला छोड़ दो, अगर वो खुद एरिया छोड़ देता है ना तो ठीक है, नहीं तो करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है ना। अधिराज, ये वेंकट मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा है? आपके बचपन का दोस्त है ना, इसलिए आज तक मुंह नहीं खोला। कब खोलेगा मुंह? जब वो मुझे ऊपर से नीचे खोल देगा तब। मेरे खिलाफ जो काम कर रहा है वो दोस्त कैसे हो सकता है? अन्ना वो बोल, क्या बोलना? एक्साइज वालों से खबर मिली है कि वेंकट अन्ना। क्या? वेंकट अन्ना अपना खुद का धंधा शुरू कर रहे हैं, हमसे अलग ही नहीं बल्कि हमारे खिलाफ। नमस्कार अंशाजी भाई। नमस्कार, कैसे आप? बस जिंदा है। वेंकट, वहां पर तीन बड़े बड़े सेक्टर्स पड़ते हैं और तुम आराम से तीनों पर कब्जा कर सकते हो। खरीदार दिला सकते हो? हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। कोई बात, मुझे वैसे भी कोई जल्दी नहीं, मैं जल्दी से हमेशा बचता आया हूँ। आनंद पिल्ले की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। आनंद पिल्ले का जाल पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलता जा रहा था, वो देसी शराब के धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी तो बन गया था, लेकिन कंपटीशन सख्त होता जा रहा था। नए खिलाड़ियों के आने से सुस्ताने की गुंजाइश नहीं थी। आनंद बड़ी बेरहमी से अपने विरोधियों का सफाया करने लगा, पर जंग में अक्सर दुश्मन आपके आगे नहीं आपके पीछे खड़ा होता है। गोविंद बेटा, आज से एक बार नहीं, हमारे जितने भी बार है ना सब पर ध्यान देना शुरू कर दे, होटलों पे भी। मेरा तो सारा टाइम दुश्मनों पे नजर रखने पे ही जाता है। जी अचन, आए दिन हमारे इलाके में घुसने की कोशिश करते रहते हैं। अचन, मुझे भी काम पर लगना है। अभी नहीं, पढ़ाई के बाद। आपने अपने से सब कुछ हासिल कर लिया है, दूसरे जो करते हैं उन्हें करने दीजिए, आप थोड़ा शांति रखिए। मैं रोकता हूँ तभी शांति होती है। ये तीनों जब तक अपने पैर जमा नहीं लेते हैं इनकी रखवाली तो करनी पड़ेगी दुश्मनों से। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, आप दुश्मन बनाते ही क्यों हैं? शतरंज हो या धंधा, बादशाह एक ही होता है। बादशाह बने रहने के लिए दूसरों को मोहरे बनाए रखना बहुत जरूरी है, और जो मोहरा नहीं बनता वो दुश्मन बन जाता है। दुश्मनी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, दुश्मन को ख़त्म कर दो। हाँ वेंकट, बात करनी है आनंदा। मैंने कभी मना किया क्या? तुम ही बिजी रहते हो। तुम्हारे दफ्तर आकर बात करता हूँ। इंतजार करूंगा। चल 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 चल। आप संभाल कर। नमस्कार मन्ना। क्या खबर? खबर सब अच्छी है ना, बस समझो कि कासिम तो खत्म ही हो गया। बहुत अच्छा, घुटनों के बल रेंगता हुआ अपना धंधा छोड़ना चाहिए। समझो हो ही गया ना, बस कुछ दिनों की बात है। क्या हुआ?
हमारे ट्रक और टेम्पो पकड़े गए, दो कोटियम रूट पे और एक तुशी रूट पे। पकड़े नहीं गए, पकड़ाए गए। ये अंदर के कोई है जो कबर लीक कर रहे। चेको पन्ना, ये जो भी है बहुत पहुंची हुई चीज है, सभी डिपार्टमेंट तक पहुंचा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट उसके ट्रक को नहीं छोड़ेगी अन्ना। जैकब के सभी खरीदारों को खरीद लो, डिपार्टमेंट का खर्चा डबल कर दो। आज के बाद जैकब कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ वेंकट, आओ 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 बैठो। मुझे खुद का बिजनेस शुरू करना है। अलग हो रहे हो? हाँ। मुकाबला करोगे? यहाँ सबके लिए जगह है आनंदा। मैं नहीं होता तो तुम्हारे लिए जगह नहीं होती। एक ही बात कब तक दोहराओगे? थक गया हूँ सुन सुन कर, और ऊपर से तुम मेरा हिस्सा भी नहीं दे रहे। याद है जब पहली बार गोडाउन में धंधा संभालने गए थे, क्या कहा था तुमने? आनंदा संभाल लोगे अकेले? तब से आज तक अकेला संभालता आया हूँ। किस हिस्से की बात कर रहा है? औकात है तेरी हिस्सा मांगने की? जो दिया समझो ज्यादा। मुझे मेरी औकात खुद ढूंढने दो आनंदा, मैं अपना धंधा करूंगा, फिर देखते हैं क्या ज्यादा है और क्या कम। ज्यादा और कम दोनों मेरा ही है, जो कुछ भी है वो मेरा है, समझे? तुम उसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। जंगल का राजा कौन? तुम्हें लगता है तुम जंगल के राजा हो? तो मुबारक हो तुम्हें। मुझे कोई राजा वाजा नहीं बनना, बस मेरे कुछ रूट्स हैं जिन पे मैं धंधा करना चाहता हूँ। मेरे रूट्स की बात कर रहा है? मैंने तैयार किए हैं सालों से, धीरे धीरे मेरे इशारे पर, मेरे नीचे मेरा आदमी बनकर। तुम किसी को आदमी कहाँ समझते हो आनंदा? तुम तो हर किसी को बस मोहरा समझते हो, मोहरा। जो है सो है। हाँ जो है सो है। वो रूट्स भी मेरी मेहनत की कमाई है और वो मैं ले रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा रास्ता नहीं काटोगे और ना ही मैं तुम्हारा रास्ता काटूंगा। मुझे सच में छोड़कर जा रहे हो? इतने सालों की दोस्ती तोड़कर? अलग रहेंगे तो शायद दोस्ती भी जिंदा रहेगी। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगा और उम्मीद करता हूं यही तुम मेरे बारे में भी सोचते हो। जयरामन, वेंकट हमें छोड़कर जा रहा है, हमारे कुछ रूट्स पर काम करेगा, नजर रखना, पर याद रहे कोई हमला नहीं होना चाहिए उस पर। ठीक है ना। अधिराज और फैज को कह दो जैकब और कासिम का नजर में नहीं आने चाहिए। हम लोगों के बीच में कोई जासूस है जो डिपार्टमेंट के लोगों को टिप देता है जिसकी वजह से हमारा ट्रक पकड़ा गया। कौन है वो? ये तो नहीं बता सकता अन्ना, लेकिन उसे किसने भेजा ये बता सकता हूँ। आनंद पिल्ले। हाँ अन्ना वही। अर्जुन,
किसी की सुनते क्यों नहीं है? कितने लोगों से इस तरह से झगड़ा मोल लेते रहेंगे, अम्मा भी कितना परेशान होती हैं। गोविंद, अच्छन के कर्मों का फल हम और हमारे होने वाले बच्चे क्यों भुगते? धंधा बराबरी वालों में होता कसम, शेर चूहे से क्या बात करेगा? आनंदन ना, मैं इधर समझौता करने आया, सुलह करना चाहता हूँ। हंसा मत कसम, मत हंसा। तेरे पास समझौता करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, एकदम बर्बाद हो चुका। और एक बात ध्यान में रख, फिर दोबारा मेरे इलाके में कदम रखा भी ना, पछताएगा। अन्ना एक बार सोच लो, यह आने से पहले तुझे 10 बार ही सोच लेना चाहिए था, यहां से जिंदा जाएगा भी या नहीं। ऐसे मैं तो हमेशा से ही अच्छा हूँ, तो पूरी तरह हिला हुआ लग रहा। आपने हिला जो दिया, धंधा पूरा बर्बाद करके रख दिया। धंधा तो सिर्फ मैं कर रहा था जगह, तू मेरे एरिया में आकर घुसपैठ की। मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। तुझे दोस्ती नहीं, मेरा रहम चाहिए। आप जो भी कहो ना, हाथ में ला लेते, सबकी भलाई इसी में। सबकी भलाई की बात छोड़, तेरी भलाई इसी में है कि तू इलाका छोड़ के चला जा हमेशा के लिए। वेंकट, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आनंद से बच के रहना पड़ेगा, उससे तुम्हारा तरक्की देखा नहीं जाएगा। मैं आनंदा को बहुत करीब से जानता है। हाँ, वो थोड़ा घमंडी है, लालची है, और हम दोनों बचपन के साथ ही हैं। हमने जुबान दिया है एक दूसरे को छुएंगे नहीं, और जब तक इस बात का भरोसा है, हमें आनंद पिल्ले की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आनंद अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को किनारे कर पाया था, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें इस धंधे से जबरदस्ती बाहर कर दिया था। लेकिन अब उसके बचपन का साथी और एक वक्त का पार्टनर वेंकट ही एक ऐसा आदमी था जो आनंद के साम्राज्य को ललकार रहा था। पर इससे पहले कि आनंद वेंकट को जवाब देता, उसके अपने ही आंगन में बगावत का साया मंडराने लगा। क्या बात है गोविंद? अचन, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा बेटा? ये घर छोड़ के जा रहा हूं। पानी अब सर के ऊपर से निकल गया है, और आप ही रुकने का नाम ही नहीं लेते। रोज कोई नई दुश्मनी, पता नहीं ऐसे में कब हम सबका सफाया हो जाए। इससे पहले मैं छोड़ देना चाहता हूं ये घर और ये धंधा दोनों। गोविंद, गोविंद मुन्ने सुनो तो, गोविंद, गोविंद। अन्ना, मेरा बेटा गोविंद घर छोड़ के चला गया, कहता ये धंधा नहीं करना है, जान का खतरा है। खतरा तो है अन्ना, इसीलिए मुझे भी छोड़ना है। 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पता नहीं जी बहुत घबराता है, अब डर लगता है इस धंधे में, इसीलिए कुछ छोटा मोटा पर ईमानदारी का धंधा करना चाहता हूँ। अन्ना, वो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए।
अभी इसी वक्त तुझे जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ। गद्दारों को हिस्सा नहीं दिया जाता। जान जोखिम में डालकर कासिम के गैंग में भर्ती हो, पर आपके लिए तो अपना जान दे ही दिया था। आप कह रहे हैं कि मैं गद्दार हूँ। तू यहाँ जिंदा खड़ा है ना, तो मेरी वजह से। मेरे दिल में दया नहीं होती ना, तो यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता था। कासिम भाई, गोविंद पिल्ले ही आया है। गोविंद पिल्ले? आनंद अन्ना का बेटा? हाँ भाई। बोला चौगा कासिम भाई, मुझे यहाँ पर देखकर। मैंने सुना तुम आनंद अन्ना से अलग हो गया है। पर अब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अन्ना, अन्ना एक बुरी खबर है। अन्ना अपना गोविंद बैंगलोर में कासिम का ग्रुप में ज्वाइन हो गया। कासिम के साथ? हाँ। और क्या? और वेंकट अन्ना काफी फैल रहे, वो शायद। शायद? वो शायद क्या जा रहा है? मुझसे आगे निकल गया। एक जंगल में एक ही राजा हो सकता है और वो मैं हूँ। बादशाह बने रहने के लिए दूसरों को मोहरे बना के रखना बहुत ज़रूरी है। जो मोहरा नहीं बनता है वो दुश्मन बन जाता है, और दुश्मनी को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, दुश्मन को ख़त्म कर। अधराज, वक्त आ गया, गिरा बदल दो। जैकब का गैंग छोड़कर अब तुम वेंकट के गैंग में घुस जाओ। उसके बाद उसे खुद मैं ठिकाने लगाऊंगा। उसने हर कदम पर दुश्मनियां मोल ली थी, सब उसकी दहशत में थे और उसकी निगाहें आसमान पर टिकी थी। दुश्मन और दोस्त दोनों को आनंद पिल्ले से शिकायत थी कि वो बादशाह बनने की आड़ में अपने लालच को अंजाम दे रहा था। पर वो कौन था जिसने बादशाह आनंद को दिखाया कि हर खिलाड़ी को सिर्फ मोहरा बनकर रहना रास नहीं आता? क्या वो शख्स वेंकट था, आनंद के बचपन का दोस्त, जिसके बढ़ते कारोबार को आनंद पिल्ले बर्बाद करने पर तुला था? या ये आनंद के सभी दुश्मनों की मिलीजुली साजिश थी? या फिर दुश्मन घर के अंदर था? या क्या ये शख्स वो था जिसने चुपके से बिसात पर मोहरे चलकर बादशाह को शहमात दी थी? कल रात इसी वक्त हम आपको दिखाएंगे इस धुआंधार कहानी की अगली कड़ी, एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां दोस्ती और दुश्मनी के बीच की लकीर बहुत ही बारीक और पेचीदा होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और सबसे जरूरी, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।